हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट वर्क में। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो बाइंडर के बारे में है। हम लोग मेजर ब्रिजेस में जो हम लोग बाइंडर लगाते हैं और जो लिंक लगाते हैं, तो वो जो बाइंडर होता है वो बाइंडर को हम क्या कटिंग लेंथ रखते हैं, किस बेसिस पे क्या उसको मोड़ते हैं, कैसे हम लोग ओवरलैप करते हैं उसका विदाउट एनी मिस्टेक, और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बाइंडर को प्लेस और बाइंड कैसे करते हैं। आज इस टॉपिक पे हम लोग कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा का पूरा देखना, और मेरा ये गारंटी है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखोगे तो आपको पॉइंटर के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा, इतना कि आप साइट पे आराम से एकदम इंडिविजुअली विदाउट एनीवनस हेल्प, बिना किसी के हेल्प के आप खुद से पूरा का पूरा बाइंडर लगवा सकते हो। इस वीडियो के बाद अगली वीडियो मेरी लिंक पे भी आएगी, और लिंक भी बताऊंगा कि मैं कैसे कटिंग करवाते हैं, उसकी कैसे मेजरमेंट लेते हैं, और उसके बाद उसको कैसे प्लेस करवाते हैं, कैसे बेंड करवाते हैं उसको, और फिर उसके बाद उसको कैसे बाइंडिंग करवाते हैं, क्या सही तरीका होता है लिंक लगवाने का, वो सारी चीज़ें आएगी। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना। ओके देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे पहले तो आपको ड्राइंग में देखना पड़ेगा कि आपके दो बाइंडर के बीच की स्पेसिंग कितना दी हुई है। हमारे केस में ड्राइंग में 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दिया हुआ था, तो हमने अपने बॉटम से उसकी मार्किंग स्टार्ट कर दिया। मैंने इंची टेप लेके मैंने उसको नीचे से ऊपर तक मार्क कर दिया, ठीक है। 150 mm पे मार्क करता गया, यानी 150, 300, 450 इस तरीके से ऊपर तक मार्क करते गया, ठीक है। और फिर क्या किया, एक जगह पे मैंने हर मार्क पे सूता लगाया और फिर उसके बाद मार्किंग किया। ये देखो, आपको इस तरीके से हर वर्टिकल बार पे आपको मार्क लगाते जाना है। अगर हर हर बार पे नहीं तो अल्टरनेट बार पे आप मार्क लगाते जाओ, ओके। इससे आपको बाइंडर लगाने में इजी होगा, आपको पता रहेगा कि बाइंडर का लाइन जाना कहाँ पे है, क्योंकि बाइंडर दो बाइंडर के बीच की स्पेसिंग आपको मेंटेन करनी है ना, 150 mm सेंटर टू सेंटर, तो वो डिस्टेंस मेंटेन करने पे यहाँ पे ये काम आता है। सो इसलिए आपको हर बार पे या फिर अल्टरनेट बार पे आप क्या मार्क लगा लो, ओके। बार पे मार्क लगाते वक्त एकदम ध्यान रहना चाहिए कि सूता आपका इधर से उधर ना हिले, ओके। और उस टाइम पे आप बिल्कुल सही से सूता के सामने, यानी डोरी लाइन के सामने आप मार्क लगा रहे हो, ऐसा नहीं कि इधर उधर कहीं भी मार्क लग जाए, ओके। ये चीज ध्यान रखना आपको। हाँ तो दोस्तों, मार्किंग करने के बाद हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है बेंडिंग और प्लेसिंग। हमारा कट लेंथ कितना रहेगा, कितने पे बेंड करना हम लोग को, और कैसे प्लेस करना है इसको। तो अभी हम यहाँ पे आपको कटिंग और बेंडिंग बताऊंगा मैं। ये हमारा सरिया टू सरिया जो बॉटम में जो पॉइंटर, ये जो देख रहे हो आप, तो इसका जो एल देख रहे हो, ये हमारा सरिया टू सरिया, इसकी चौड़ाई है 1500 mm। तो हमने 1500 mm का एल मोड़ा और लगा दिया, ये आप देख सकते हो 1500 की चौड़ाई पे लग गया है। अब हमारे क्या है कि ब्रिज की लंबाई है 13.15 मीटर, ओके, और सरिया टू सरिया देखा जाए तो 13.05 मीटर। सो एक सरिया तो अपना 12 मीटर का आता है, और ऑलरेडी 1.5 मीटर का हम लोगों ने मोड़ के लगा दिया है, यानी 1500 mm को मोड़ के लगा दिया है। तो अब ये बाकी रिमेनिंग लेंथ जो है हमारा आगे की तरफ पूरा जा चुका है, और उसके बाद हम लोग और इसको आगे ओवरलैप लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों कि ये हमारा सरिया जो है नीचे से वो एक्सटेंड हुआ हुआ है, वो आगे की तरफ पूरा का पूरा बढ़ रहा है। और जो मैंने ओवरलैप की जो बात कहा था वो देखो, अभी ओवरलैप आप बॉटम से सेकंड लास्ट सरिया देखो, वहां पे मैंने ओवरलैप दिखाया है, वो ओवरलैप है टोटल 1600 mm का, वो 1600 mm की ओवरलैपिंग है, यानी 800 mm एक सरिया, दूसरा सरिया 800 mm, तो मिला के 1600 की ओवरलैपिंग है। और जो हमारी जो रिमेनिंग लेंथ है वो आगे कंटिन्यू किया हमने दूसरे सरिया को यूज करके। सो हमारा इस तरीके से सरिया प्लेस हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों, सरिया प्लेस करने के बाद अब हमारी बारी आती है बाइंड करने की। तो बाइंड करने का हमारा ये तरीका होता है कि एक आदमी उसको बाइंड कर रहा होता है, जो मार्क पे लगाया गया एक आदमी उसको बाइंड कर रहा होता है, और पीछे एक आदमी पकड़ रहा होता है। चाहे तो आप दो आदमी भी यूज कर लो बाइंड करने के लिए। और बाइंड करने के लिए हमेशा याद रखना, मिनिमम तो मिनिमम दो बाइंडिंग वायर तो आपको यूज करना ही होगा बाइंड करने के लिए। आप ये देख सकते हो कैसे एक आदमी ने पकड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद बाकी पीछे की तरफ सरिया गिरा हुआ है। सरिया गिरा हुआ है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जहां पे आदमी बाइंड कर रहा है वहां पे मार्क पे बाइंड होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आदमी जो बाइंड करे वो जो हमने सूते पे मार्क लगाया था वो उस मार्क पे बाइंड करे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बार इस लेबर ने अपने हुक से दिखाया भी है यहाँ पे कि उस पॉइंट पे मार्क, मतलब उस पॉइंट पे बांधने के लिए उस लेबर ने वो दिखाया भी है वो चीज। तो दोस्तों, बाइंड करते वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की हम लोग को ध्यान रखनी है वहां पे, वो है बाइंडर के, दो बाइंडर के बीच की स्पेसिंग। यहाँ पे 150 mm है, तो ये देखो सेंटर टू सेंटर हमने मेजर करके यहाँ पे दिखाया कि ये 150 mm, इंश्योर किया हमने कि 150 mm वो एक्चुअल है साइड पे अपना। दोस्तों, इतना सब कुछ कर लेने के बाद अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आता है वो होता है स्टॉपर साइड में अपना सरिया को कैसे ओवरलैप करें।
ओवरलैप करने का हमारा तरीका ऐसे हो सकता है कि स्टैगर्ड हो सकता है कि एक के ऊपर एक स्टैगर करते हैं हम लोग ओवरलैपिंग को, वो तरीका गलत होता है हमारा, वो एक्सेप्टेड नहीं होता है। दूसरा तरीका होता है हमारा कि लैपिंग जो है हम अल्टरनेट पे करते हैं, आई मीन एक कोने पे पहले लगाया, फिर दूसरे कोने पे लगाया, फिर तीसरे कोने पे लगाया, फिर चौथे कोने पे लगाया, इस तरीके से करके अल्टरनेट करते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे जो वीडियो बनाया है ना, ये यहाँ पे मेरे देखियो खड़े होने का एक्चुअल साइड पे ना प्रॉपर जगह नहीं मिल रहा था मुझे खड़े होने का वहाँ पे, तो इसलिए प्रॉपर वीडियो शूट नहीं हो पाया। मैं आपको ये थियोरेटिकली बताता हूँ, चलो सीखते हैं। ये देखो दोस्तों, मान लेते हैं कि हमारा अब्यूटमेंट इस तरीके का था, ये 13 मीटर 150, ये 13.15 की इसकी लंबाई हो गई, ठीक है। ये मैं इसको दूर लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखानी होगी, ठीक है, इसलिए मैं इसको दूर लिख रहा हूँ थोड़ा। और ये वाला अपना जो चौड़ाई था ये 1500 का था, 1500 mm का, ओके। सो अब क्या है, मान लो कि हमारा वर्टिकल सरिया जो है इस तरीके से प्लेस था, इस तरीके से क्या हमारा वर्टिकल सरिया प्लेस था वहाँ पे, और जो साइड का जो स्टॉपर बाज था वो इस तरीके से प्लेस था, ओके। ये अपना वर्टिकल बाज हो गया साइड वाला, ठीक है, और फिर ये हमारा वर्टिकल साइड का स्टॉपर वाला बार हो गया, ओके। अब देखो इस पे कैसे प्लेस किया गया था हमारा बाइंडर को। एक बाइंडर तो ऐसे ही एकदम कोना का जो सरिया था ये नीचे सबसे शुरुआत वाला हम लोग सरिया कैसे लगाएं, तो यहाँ से हमारा जो ये हमारा 1500 था, मतलब ये कंक्रीट फेस से कंक्रीट, ये हमारा स्टील टू स्टील 1500 था, बाकी कंक्रीट फेस हमारा 1600 था, तो स्टील टू स्टील हमारा 1500 हुआ, तो 1500 का एल लगाया हम लोगों ने, ठीक है, और स्ट्रेट लेकर आए, ठीक है। ये 12 मीटर का सरिया यहाँ तक पूरा हो गया अपना। अब उसके बाद क्या किया, यहाँ से ओवरलैप लगाएं, ओवरलैप कितने, ये हमारा सरिया आ रहा था 16 डाई का था, तो ये हमें 800 की ओवरलैपिंग देनी थी। 50D का रूल यहाँ पे हम लोगों ने फॉलो किया था, 50 क्रॉस 16, तो ये 800 mm हो गया हमारा, ठीक है। 800 mm की लैपिंग करनी थी, यानी 800 mm ये वाला सरिया और 800 mm वो वाला सरिया, तो मिला के मतलब 1600 की लैपिंग हो गई। और दोस्तों फिर जो हमारा जो रिमेनिंग लेंथ जो बचा है यहाँ पे लैपिंग करने के बाद, हम वो क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे और एल बनाएंगे यहाँ पे 800 का। याद रखना कि हमारे पास 50D है, ओके, 50D है, सो लैपिंग हमारी जो इंडिविजुअल बार जो लैप करेगा वो 800 है, मतलब कि एक बार ऐसे आया और एक बार ऐसे आया, तो ये वाला 800 होगा, ठीक है, और ये वाला भी हमारा 800 होगा, मतलब मिला के हमारा 1600 हो जाएगा, ओके। सो इस तरीके से लैपिंग है, ठीक है, इंडिविजुअल बार 800 लैप करेगा, ओके। सो हमने यहाँ पे लैपिंग कर लिया, और उसके बाद अब हम दूसरे बार को एक्सटेंड करेंगे और 800 यहाँ पे एक्सटेंशन होगा, ओके, ये हमारी 800 की लेंथ होगी, ठीक है। ये तो हमारा नीचे का बार प्लेस हुआ भी एक साइड का। अब उसी तरीके से दूसरे साइड का प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो दूसरे वाला जो बार होगा एक फ्रेश बार 12 मीटर का लेंगे, और उसके बाद यहाँ से यानी 1500 mm ऐसे चलेगा वो, 1500 mm का एल बनाएंगे वो, ठीक है, फिर जो रिमेनिंग लेंथ रहेगा वो यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये वाला हो जाएगा अब अपना 1500 का लंबाई, ठीक है, 1500 का एल बना है, और फिर जो 12 मीटर में से जो बचा वो इधर एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे फिर से ओवरलैप लगाएंगे, यानी 800 प्लस 800, मतलब 1600 की टोटल ओवरलैपिंग आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये ओवरलैपिंग होने के बाद यहाँ से ऐसा सरिया वॉल अपना एक्सटेंड करेगा, ऑलरेडी यहाँ पर हमारा 1500 का एल था, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 800 का एल बनेगा, ओके। सो ये वाला एल हो जाएगा हमारा 800। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ है कि यहाँ पे 800 का एल एक कॉर्नर पे बना, ठीक है, एक लैपिंग इधर कॉर्नर पे बना, दूसरा लैपिंग इधर कॉर्नर पे बना, एक ही लेवल पे, ठीक है, बाइंडर दोनों साइड लग रहा है ना, एक इस साइड लग रहा है और एक इस साइड पे बाइंडर लग रहा है, तो एक साइड पे 800 वाला लैप इधर आया हमारा, दूसरे बारे में इधर आया हमारा, ठीक है। अब देखो हम लोग दूसरे जो इसके ऊपर जो बाइंडर लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हमने देखा कि अभी 1500 का एल था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 800 का एल लेंगे, एक एल यहाँ पे 800 का लिया, फिर यहाँ पे रिमेनिंग लेंथ चला अपना, ठीक है, ये हो गया हमारा 800 की लंबाई, ठीक है, 800 का हमारा एल हो गया। फिर यहाँ पे जो 12 मीटर में से जो बचा बार वो पूरा इतना एक्सटेंड हो गया, फिर यहाँ पे एक ओवरलैप दिए इसमें, ठीक है, ओवरलैप देने के बाद अब क्या करेंगे, फिर से क्या 1500 की एक्सटेंशन करेंगे। ध्यान रखने की चीज़ है दोस्तों कि जो हमने पहला बार जो लगाया था ना नीचे वाला, उसमें हमारा 800 का लैप था, ठीक है, याद हो तो देखो यहाँ पे 800 का लैप दिखाया है, और इधर से जो बार आया था वो 1500 का आया था, तो अब यहाँ पे जब हम इधर से अब चल रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे दूसरे वाले बार पे, तो इस बार हम लोग 1500 का एल रखेंगे, 1500 का एल जाके पूरा आखिरी सरिया तक आ जाएगा, दूसरा वाला बार हो गया हमारा 1500 एल का, ठीक है, 1500 का एल हो गया हमारा। और उसी तरीके से जब दूसरे साइड पे प्लेसिंग करेंगे, तो यहाँ पे अब हम लोग 800 800 का एल रखेंगे, ओके,
800 का एल लिया, अब ये दूसरे साइड पे बार चलेगा और उसके बाद जहाँ तक ये बार एक्सटेंड होगा 12 मीटर में एक्सटेंड किया, फिर यहाँ पे एक ओवरलैप दिया, वही है 800 प्लस 800 बराबर 1600 आएगा। अब यहाँ पे फिर चलेंगे और उसके बाद यहाँ पे जाके हमारा ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा हमारा 1500 का। ओके सो यहाँ पे क्या, इस बार दूसरी जगह पे जो ओवरलैप है वो यहाँ पे पड़ेगा हमारा, ठीक है। पहला ओवरलैप यहाँ पे पड़ा था, अब दूसरा ओवरलैप एक लेवल में तो हमारा नीचे वाले लेवल में यहाँ पे लैप पड़ा था, दूसरे लेवल में यहाँ पे लैप पड़ा। अब जब ऊपर में आए हम लोग तो यहाँ पे ओवरलैप पड़ा रहा क्योंकि हमारा 1500 का एल यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है और 800 का एल यहाँ पे ऑलरेडी था, ये जो मैंने दिखाया हुआ है। ये 800 का लैप और 1500 का जो आया वहाँ पे सरिया, जो ऊपर घूम के इधर से जो आया 1500 का सरिया मिला के, ये हमारा यहाँ पे एक ओवरलैपिंग हुई, दूसरी ओवरलैपिंग यहाँ पे हुई, ये जो मैंने दिखाया 800 का। इस तरीके से क्या हमारी लैपिंग की जाती है पहले लेवल में। मैं एक दूसरा डायग्राम फिर से बना के दिखा दे रहा हूँ। पहले लेवल में देखो हमारा क्या लैपिंग यहाँ पे हुआ था, ठीक है, एक लैपिंग यहाँ पे, दूसरे लेवल में हमने लैपिंग यहाँ पे किया दूसरे बाइंडर में, फिर तीसरे बाइंडर में हम यहाँ पे ओवरलैपिंग करेंगे, फिर चौथे बाइंडर में फिर से यहाँ पे ओवरलैपिंग करेंगे। इससे हमारा क्या होगा ना, इससे हमारा क्या होगा कि एक के ऊपर एक लैपिंग नहीं आएगा। कई बार क्या गलती कर देते हैं ना लोग बाइंडर लगाने में, कि बाइंडर इसी तरीके से लगा देते हैं, बीच में यहाँ पे स्टैगर कर देते हैं, बीच में क्या यहाँ पे क्या लैपिंग करते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, यहीं पे लैपिंग करते जाते हैं। सरिया की लैपिंग कैसे कर देते हैं, इस तरीके से, वो इस तरीके से गया, इस तरीके से लैपिंग किया, ठीक है, फिर दूसरा सरिया ऊपर में लगा, इसी तरीके से यहाँ पे ऐसे करके ये ऐसे लगा देते हैं। तो ये वाली जो ओवरलैपिंग हो रही होती है ना, ये गलत लैपिंग है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लगाना ये वीक पोर्शन क्रिएट कर देता है, इसलिए कभी भी ऐसी लैपिंग नहीं लगाते हैं। ये हमारा सही तरीका होता है कि एक एक बाइंडर लगाया तो एक लैपिंग इधर, एक लैपिंग इधर, फिर दूसरा बाइंडर लगाया तो उसकी लैपिंग इधर, उसकी लैपिंग इधर, फिर तीसरा बाइंडर लगाया फिर उसकी लैपिंग इधर इधर, चौथा बाइंडर लगाया उसकी लैपिंग इधर और इधर, पाँचवा लगाया इधर, इस तरीके से अल्टरनेट करके चलता है अपना। अब ये देखो दोस्तों, हमारी जब पूरी की पूरी बाइंडर प्लेस हो जाएगी तो इस तरीके का कुछ दिखता है। इसमें हमने लिख भी प्लेस करके दिखाया है, लेकिन जब बाइंडर हमारा पूरा का पूरा प्लेस हो जाता है, ये आप देख सकते हो कि 10 पीस बाइंडर है, ये हमारा नीचे राफ्ट है और उसके ऊपर ये 10 पीस बाइंडर है। 10 पीस का मतलब है कि हमने शटरिंग प्लेट लगाना है यहाँ पे दोनों सोल्जर मिला के ऊपर और नीचे का 1450 mm, मतलब 1450 mm का क्या हमारा हाइट रहेगा। सो ये हमारा 10 पीस बाइंडर लग गया हमारा। सो वो इसका कुछ इस तरीके का लुक आता है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा और आप बहुत सारी चीज़ें से सीखे होंगे। ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कहीं और नहीं मिलेगा किसी भी चैनल पे, साइट के किसी भी YouTube चैनल पे आपको प्रैक्टिकल इस तरीके से नहीं समझाया मिलेगा। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे वीडियो से रिलेटेड या फिर कुछ भी जो मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपका इंस्टेंटली जवाब दूंगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।